नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनक्लैक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साइप्रोहिपेटिडीन एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट सिरप के बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों साइप्रोहिपेटिडीन और ट्राइकोलिन सिट्रेट दोनों अलग अलग ड्रग सॉल्ट है, लेकिन दोनों एक ही सिरप में कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं और अपना वर्क शो करते हैं। दोस्तों जिस पेशेंट के शरीर में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो, ज़्यादा फैट जमा होया हुआ हो, या फिर इसके अलावा उनको भूख की समस्या हो, भूख टाइम पे नहीं लगती हो या फिर भूख नहीं लगती हो, तो उनको ये दवा दी जाती है। दोस्तों ये जो साइप्रोहिपेटिडीन ड्रग होती है, ये एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट काम करती है अपने शरीर में। मतलब जिसको भूख नहीं लग रही हो तो उनको ये दवाई दी जाती है ताकि ये भूख लगवाती है। एपेटाइट मतलब भूख, भूख को स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा कोई पर्सन है जो अपना वजन बढ़ाना चाहता हो या फिर ज़्यादा दुबला पतला हो और उसको भूख नहीं लगती हो, तो उनको भी ये दवा दी जाती है उनका वेट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है ट्राइकोलिन सिट्रेट, ये एक ऐसा ड्रग कंपोजिशन होता है जो कि शरीर में प्रजेंट जो एक्स्ट्रा फैट है उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब उसको शरीर के अंदर डाइजेस्ट करता है और बाहर निकालने का काम करता है ट्राइकोलिन सिट्रेट। तो इस प्रकार से ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और एक ही सिरप में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों कभी कभार अपन इनकी ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कॉमनली देखने को मिलते हैं जैसे ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा रह सकता है, या फिर अटैक्सिया हो सकता है। अटैक्सिया मतलब जो अपन मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ सीधा करते हैं तो जिसके कंपन देखने को मिलती है, ऐसे किसी में काफ़ी पर्संस में देखने को मिलती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी आना, तो ये भी देखने को मिल सकता है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स के दौर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके लीवर फेलियर की शिकायत हो या फिर रीनल फेलियर की शिकायत हो, तो उनको ये दवा हमेशा सावधानी से यूज़ में लेनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ में लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको भी ये दवा हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ में लेनी चाहिए और सावधानी से काम में लेनी चाहिए। दोस्तों ये जो दवा होती है ये कुछ पेशेंट में ऐसा असर कर जाती है कि उनके लेते ही मतलब पूरे शरीर में खुजली वगैरह चलने लग जाती है, पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, या फिर आँखों से आंसू, नाक से म्यूकस फ्लो होना, ये कुछ समस्याएं देखी जा सकती है। तो वो ये करें कि तुरंत इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।